तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और उससे पहले नए होते यार प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह से नागपुरी से रिलेटेड अपडेट मिलती रहेगी। सो गाइस इस वीडियो पर लास्ट एंड तक बने रहो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे रूपारे एल्बम के अननोन फैक्ट के बारे में। सो गाइस रूपारे एल्बम जो कि एक ऐसी एल्बम थी जो कि नागपुर इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा चेंज करके रख दिया था, और रोहित आरके को नागपुर इंडस्ट्री में इतना बड़े सुपरस्टार के तौर पर आज आप लोग देखते हैं तो इसी एल्बम के कारण हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, रोहित आरके और इस एल्बम के डायरेक्टर आकाश लोहरा जो कि दोनों ही दोस्त हैं, और ये एल्बम जो कि दूसरी एल्बम दोनों ही की थी। नंबर टू, रोहित आरके और आकाश लोहरा जो कि रूपारे एल्बम आने से पहले और एक एल्बम किए थे जिसका नाम है पीपल का छांव, जो कि पब्लिक की तरफ से गिना चुना ही रिस्पॉन्स मिला था। नंबर थ्री, रूपारे एल्बम जो कि आकाश लोहरा उस समय सीवा म्यूजिक के लिए बना रहे थे, और रोहित आरके और आकाश लोहरा जो कि नए नए थे इसलिए उनको उतना बजट भी नहीं दिया गया था जो कि इस एल्बम उस लायक बन सके। नंबर फोर, इस एल्बम को बनाते वक्त आकाश लोहरा को जितना बजट दिया गया था उतना आधा ही कंप्लीट हुआ था। उसके बाद इस एल्बम के एक्टर यानी कि रोहित आरके को अपनी खुद के पैसे अपने जेब से भरना पड़ा था। नंबर फाइव, जब पीपल के छांव पर आकाश लोहरा एल्बम बना चुके थे तो उस एल्बम के रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से आकाश लोहरा काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे। उसके बाद आकाश लोहरा जो कि एक ऐसी एल्बम बनाना चाहते थे जो कि उनकी लाइफ करियर की बदल दे, और रूपारे एल्बम रिलीज हुई तो ऐसा ही हुआ। नंबर सिक्स, रूपारे एल्बम आने से पहले रोहित आरके नागपुर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते थे, और जब आकाश लोहरा इस इंडस्ट्री में आए तब रोहित आरके जी से कहा था कि तुम्हारा इमेज ऐसे बना दूंगा इस इंडस्ट्री में कि एक दिन तुम्हारा इमेज देखकर क्लिक करेंगे। और आज डायरेक्टर आकाश लोहरा और रोहित आरके की परफॉर्मेंस, उनकी मेहनत जो कि काफ़ी ज़्यादा रंग लाई है। नंबर सेवन, इस एल्बम की एक्ट्रेस जया पांडे जो कि अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़कर आए थे और इस एल्बम में काम किया था। नंबर एट, रूपारे एल्बम जब शूटिंग ख़त्म हो गया फिर भी से आकाश लोहरा को लग रहा था कि इसमें से कुछ कमी है, और उस कमी को पूरा करने के लिए आकाश लोहरा के पास बजट ख़त्म हो गया था तब जाकर, और उस समय एक ऐसा शॉट चाहिए था जिसमें से कोयला का खदान हो उसमें से एक शॉट चाहिए था, और उस सीन के लिए भी रोहित आरके को ही पैसे लगाना पड़ा था। नंबर नाइन, जब शूटिंग ख़त्म हो गया तो एडिट हुआ उसके बाद से भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे रोहित आरके और आकाश लोहरा, काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि दोनों ही एक्टर और डायरेक्टर नए नए थे, और सिवा म्यूजिक जो कि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर उनको बजट दिया था। नंबर टेन, जब एडिट हुआ उसके बाद रिलीजिंग के लिए गए सिवा म्यूजिक के पास, और उनका एडिट देखकर उनका वीडियो देखकर उनको समझ नहीं आ रहा था कि इतने नए लड़के होकर इतनी अच्छी तरह से इतना कम बजट में ऐसी एल्बम कैसे बना सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा बना था। उस समय ऐसे एल्बम बनना बहुत ही मुश्किल था, और इस एल्बम रिलीज हुआ तो नागपुर इंडस्ट्री को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया, क्योंकि उस समय इस तरह का एल्बम बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और सबकी लाइफ करियर चेंज करके रख दिया था, और सभी को इस एल्बम की टीम को एक नई पहचान दिया था। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।